हाय फ्रेंड, आज हम टाटा विस्टा TDI का सर्विस कैसे करते हैं हम आपको दिखाएंगे। वीडियो में बने रहे, वीडियो को स्किप ना करें। क्या कैसे करना है फ्रेंड आपको हम दिखाते हैं। स्क्रू ड्राइव के मदद से पहले एयर फिल्टर को खोल के देखें कि एयर फिल्टर साफ़ है कि ज़्यादा चौक है, क्या है। खोलते हैं हम और दिखाते हैं आपको। हमने एयर फिल्टर खोल के देख रहे हैं, एयर फिल्टर ऊपर से तो साफ़ है बट अंदर से ज़्यादा रेस के कारण ये सब खींच लेता है। बाय द वे, चूहा कहीं इकट्ठा कर देता है। तो उसके बाद ज़्यादा डस्ट है इसके अंदर में, इसको भी हम क्लीन करके लेंगे। इसके बाद आता है कूलेंट का नंबर, और हमने कूलेंट का कैप खोला तो उसके बाद मुझे सही लगा तो पूरा भी है कूलेंट। इसी के एक्स्ट्रा बोतल एक लगा होता है इस साइड में, इसको देखते हैं। ये कम है, मिनिमम में चला गया है, कम से कम मैक्सिमम पे यहाँ तक रहना चाहिए। अब इसमें कूलेंट यहाँ तक डाल देना, और जो इसके इंजन ऑयल है निकालने से पहले गेज को बाहर ले लें ताकि इंजन ऑयल अच्छे से निकले। चैम्बर का नट 16 नंबर के रिंग पाना से खुले, इसे निकलने दें पूरे अच्छी तरीके से। फिल्टर क्लम्प से अब ऑयल फिल्टर को बाहर खोलें, और आप देख रहे हैं कि हम खोल दिए हैं यहाँ से ऑयल फिल्टर को। उसे ये है इसका ऑयल फिल्टर। अब हमें डीजल फिल्टर खोलना है। डीजल फिल्टर खोलने के लिए ये असेंबली फुली हटाना पड़ता है। उसके बाद 11 की गोटी के मदद से आप इसको खोलें। इसको खोलना है 11 नंबर के गोटी से। खोलने के बाद लंबा वाला बोल्ट ऐसा 11 नंबर का निकलेगा, ठीक है। उसके बाद ध्यान से फिल्टर को निकाले बाहर। जैसे कि आप फ्रेंड देख रहे हैं कि यह है इसका फिल्टर, डीजल फिल्टर यह है। इसे अच्छी तरह से क्लीन कर लें। क्लीन नहीं कीजिएगा तो फिर आप रिंग लगाइएगा तो लीकेज करेगा। तो हमने क्लीन कर दिए हैं। उसके बाद इसमें हम डीजल फिल्टर लगाएंगे। हमने फिल्टर ले लिया है, और इससे पहले रिंग आप लगा दें अच्छी तरीके से ताकि एयर ना हो, एयर ना ले इसीलिए। सो फ्रेंड, इसे अच्छी तरीके से लगाएं। अगर आप सही तरीके से नहीं लगाएगा तो दोबारा खोलना पड़ सकता है। और आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ लगा दिए हैं। अब एयर कैसे निकालें, एक छोटा सा है एयर निकालने के लिए। पाइप को वहाँ से खोल लें आप, और उसके बाद एयर निकल जाए तो फिर अच्छी तरीके से एयर निकलने दें, और एयर निकल जाए तो फिर से वहीं पे लगा दें। और फिर उसके बाद दो चार बारी फिर से आप मार दीजिए पंप, हो गया। और क्लिप भी अच्छी तरीके से लगा दें दोबारा। पाइप क्लिप को फिर वहीं पे लगा दें जहाँ पे पहले से लगा हुआ था। अब लगाना है ऑयल फिल्टर। हमने तो बॉश कंपनी का ऑयल फिल्टर ले लिया है, जो कि बहुत अच्छा ही फिल्टर है। लिखा भी है टाटा इंडिको TDI इंडिका विस्टा टर्बो। यह है ऑयल फिल्टर, बहुत ही अच्छा फिल्टर होता है। फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। और उसे ऑयल फिल्टर को यहाँ पे फिर से लगाना है, और ऑयल फिल्टर अच्छी तरीके से हाथ से पहले घुमा के लगाएं। हाथ से जितना कसा है उतना कस दे, उसके बाद कलम से थोड़ा सा कसें। अगर ख़राब वाला इंजन ऑयल बाहर अच्छी तरीके से आ गया है तो फिर से चैम्बर का नट अच्छी तरीके से लगा दें।
फिर से सोलक की मदद से आप इसे अच्छी तरीक़े से टाइट कर दें। एयर फिल्टर हमें सही लगा, इसलिए हम एयर से इसे पहले अच्छी तरीक़े से साफ़ कर दें। फिल्टर अच्छा है वैसे, इसीलिए हम न्यू नहीं डाले हैं, हम इसी को इंस्टॉल करेंगे। हम एयर अच्छी तरीके से सफाई कर दे रहे हैं। फ्रेंड, आप देख रहे हैं कि एयर फिल्टर क्लीन हो चुका है। अब इसे सही तरीक़े से इंस्टॉल कर दें और फिर ऊपर का असेंबली भी कैप लगा दें अच्छी तरीक़े से। अब इसके जितने पेंच हैं सब अपनी जगह पे लगा दें स्क्रू ड्राइव की मदद से। जैसे कि ये पेंच है, इस तरह से फंसा दें। फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कर दें, शेयर भी कर दें। जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रू ड्राइव की मदद से आप कस दें इसे। फ्रेंड, उसके बाद बैटरी का भी पानी चेक कर लें। फ्रेंड, अब इंजन ऑयल डालना है। इंजन ऑयल वैसे इसमें 5 लीटर डलेगा क्योंकि टर्बो है, हम तो कैस्ट्रोल का ये 3 लीटर है, कैस्ट्रोल एलेक्स सुपर मैक्स, और एक एक लीटर 5 लीटर हुआ। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।